पहली बार आज हम वोट के कास्ट करने के लिए गए थे अपना, और जब हम वहाँ पे वोटिंग पोल बूथ पे पहुँचे हैं तो पता चला हमको कि मेरा वोट जो है वो पहले कास्ट हो चुका है। और जब हम वहाँ पे उनसे पूछे हैं कास्ट मतलब दे दिया जा चुका है, वोट मेरा गिराया जा चुका है, तो हम उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएँ तो वो हमसे मेरा पर्ची मांगने लगे जो छोटा सा वार्ड काउंसिलर के थ्रू बटता है, तो वो मेरे पास नहीं था। तो हम बोले कि मेरे पास नहीं है ये, फिर वो कहते हैं आपका वोट तो डाल चुका है, आप पहले डाल के जा चुके हैं। तो हम उनसे पूछे कि हम दोबारा आए हैं क्या यहाँ पे, और जब हम उसका चेहरा भी मिला है कि किसने पहले कास्ट किया है मेरे बिहाफ में वोट, तो देख रहे हैं वो कोई और लड़का है और फेस भी मैच नहीं कर रहा है और साइन भी मैच नहीं कर रहा है, फिर भी उन्होंने मेरे बदले किसी और का वोट गिरवा दिया। मैच नहीं हो रहा है तो वो वोट नहीं दे सकता है, ये जो अभी फर्जी वोट कैसे हो गया। दरभंगा नगर निकाय चुनाव 2022 में चल रहा है फर्जीवाड़ा। नगर निगम चुनाव में आज दरभंगा के वार्ड नंबर 30 में पोलिंग बूथ नंबर 3 पर फर्जी वोट गिरने का मामला सामने आया है। दरअसल अजीजुल इस्लाम आज वोट गिराने घर से निकलकर पोलिंग बूथ पर गए तो उन्होंने देखा कि मेरा वोट किसी और ने गिरा रखा है। इतना सुनना था कि अजीजुल इस्लाम भड़क उठे। उन्होंने बूथ के अधिकारी से इस मामले को लेकर सवाल किया तो उनसे बोला गया कि आपका वोट गिर चुका है, हमारे ऊपर पोलिंग बूथ एजेंट का प्रेशर था जिसकी वजह से यह फर्जी वोट गिरा है। यही बात दोबारा दोहराता रहा, जिसके बाद हम लोगों ने अजीजुल इस्लाम से बात की। अजीजुल इस्लाम ने कहा कि वो सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले को लेकर हमने डीडीसी अमरीश वैन से बात की। इस मामले को लेकर उन्होंने कहा आपकी बात को संज्ञान में ले लिया गया है, जांच की जा रही है। और आगे अजीजुल इस्लाम ने क्या कुछ कहा वह सुनिए। आज हम वोट कास्ट करने के लिए गए थे अपना, और जब हम वहाँ पे वोटिंग पोल बूथ पे पहुँचे हैं तो पता चला हमको कि मेरा वोट जो है वो पहले कास्ट हो चुका है। और जब हम वहाँ पे उनसे पूछ वोट मेरा गिराया जा चुका है, तो हम उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं तो वो हमसे मेरा पर्ची मांगने लगे जो छोटा सा वार्ड काउंसिलर के थ्रू बटता है, तो वो मेरे पास नहीं था। तो हम बोले कि मेरे पास नहीं है ये, तो फिर वो कहते हैं आपका वोट तो डाल चुका है, आप पहले डाल के जा चुके हैं। तो हम उनसे पूछे कि हम दोबारा आए हैं क्या यहाँ पे, और जब हम उसका चेहरा भी मिला है कि किसने पहले कास्ट किया है मेरे बिहाफ में वोट, तो देख रहे हैं वो कोई और लड़का है और फेस भी मैच नहीं कर रहा है और साइन भी मैच नहीं कर रहा है, फिर भी उन्होंने मेरे बदले किसी और का वोट गिरवा दिया। बूथ नंबर 3 है ये, वार्ड नंबर 30 का। हाँ, वहाँ पे मैंने मेरी बात हुई इलेक्शन कमिश्नर से कॉल पे, तो उन्होंने कहा कि आप बैलेट पेपर के थ्रू वोट जो है सो अपना ले सकते हैं, लेकिन फिर उन लोगों ने मना कर दिया, वहाँ पे लेने नहीं दिया। फिर हम वापस आ गए घर और इसका वीडियो भी हम कैप्चर किए हैं अपने फ़ोन में, जो भी बात हुई है मेरे और उनके बीच में।